नमस्कार, मैं प्रिया धराधर, 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। एकनाथ शिंदे शायद ही कभी मुस्कुराते, उनका पसंदीदा लुक दुनिया की गंभीर चिंताओं में दबे हुए आदमी का है। जब खबरें सामने आई कि उन्होंने महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद बागी विधायकों को नाचने के लिए फटकार लगाई, तो ये पूरी तरह विश्वसनीय लग रहा था। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव के लिए मतगणना शुरू होने से ठीक पहले उनसे मिलने वाले लोगों का कहना है कि वो परेशान थे और व्यस्त लग रहे थे। जल्द कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है, इसके लिए नोएडा पुलिस की ट्रैफिक पुलिस ने पूरा प्लान बना लिया है। इस बीच जिला मजिस्ट्रेट सुहास एलवाई ने अधिकारियों को 14 से 26 जुलाई तक कांवड़ यात्रा के मार्ग से आने वाली मांस और शराब की सभी दुकानों को बंद करने के लिए कहा है। कांवड़ यात्रा के मार्गों को अंतिम रूप दिया जा रहा है, जिसके बाद पुलिस इसका निरीक्षण शुरू करेगी। उदयपुर हत्याकांड के बाद पर्यटक स्थल दरगाह अजमेर शरीफ अचानक सुर्खियों में आ गया है। यहां दरगाह के एक खादिम सलमान चिश्ती ने नूपुर शर्मा का सिर कलम करने की बात कही है, जिसके बाद से अमन और भाईचारे के लिए विश्व प्रसिद्ध यह दरगाह अचानक चर्चा में आया। अब अजमेर शरीफ का एक अन्य वीडियो वायरल हो रहा है, इस बार खादिम नया है। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व में महाराष्ट्र में नई सरकार बनी है। इसके बाद पिछले कुछ दिनों से चल रहा सत्ता का ड्रामा खत्म हो गया। शिवसेना नेता संजय राउत ने फडणवीस पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा लगातार कहती रही है कि उनका शिंदे के विधायकों के खिलाफ विद्रोह से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अमृता फडणवीस ने उनके दावों को खोखला साबित कर दिया। देश में बीते दिन कोरोना 18,257 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,36,22,651 हो गई है। शनिवार को 42 संक्रमितों की जान गई, जब कुल मृतकों की संख्या 5,25,428 हो गई। पिछले 24 घंटे में 14,553 मरीज कोविड 19 को मात देकर रिकवर भी हुए। देश भर में अब सक्रिय मामलों की संख्या 1,28,690 है। राजस्थान में लंबे समय से जारी सत्तारूढ़ कांग्रेस पार्टी में कलह थमने का नाम नहीं ले रही है। सीएम गहलोत गाहे बगाहे सचिन पायलट पर हमला करते हैं, लेकिन सचिन पायलट सदी हुई राजनीति के तहत ही बेहद खामोशी से सब कुछ सहन कर रहे हैं। सचिन पायलट पार्टी आलाकमान के सामने ऐसी छवि बना रहे हैं कि जिससे कांग्रेस आलाकमान को हमेशा ये महसूस हो कि पायलट सब कुछ पार्टी में लगा रहा है। सचिन पायलट को उम्मीद है कि राजस्थान में देर सवेर आने वाला कल उनका ही होगा। वैसे भी सीएम गहलोत की मुख्यमंत्री के तौर पर अंतिम पारी मानी जा रही है। इंग्लैंड की टीम भारत के खिलाफ 3 मैचों की T20 इंटरनेशनल सीरीज में नए कप्तान के साथ उतरी थी। योन मॉर्गन के संन्यास लेने के बाद जोस बटलर को टीम का कप्तान नियुक्त किया गया था, लेकिन उनकी कप्तानी में टीम को हार का सामना करना पड़ा। इंग्लिश टीम 3 मैचों की T20 सीरीज भी हार गई। बर्मिंघम में खेले गए T20 मैच में हार झेलने और 0-2 से सीरीज में पिछड़ने के बाद जोस बटलर ने कहा कि हम हार ही डिजर्व करते थे, इसका कारण भी जोस बटलर ने बताया है। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश का सिलसिला जारी है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने अगले 4 दिनों तक दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में हल्की से भारी बारिश का अनुमान लगाया है। वहीं दक्षिण भारत के भी कई इलाकों में इन दिनों जमकर बारिश हो रही है। तेलंगाना में रविवार तक के लिए बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया। कर्नाटक और केरल में भी भारी बारिश होने का अनुमान है। श्रीलंका की मौजूदा स्थिति के लिए उनकी गलत नीतियों से उपजी बदहाल आर्थिक स्थिति जिम्मेदार है। भारत से संतुलन बनाकर चीन पर ज्यादा भरोसा करना उसे भारी पड़ गया है। श्रीलंका ने IMF की तुलना में चीन से कर्ज ज्यादा लिया, इससे वो कर्ज के जाल में उलझ गया है। श्रीलंका का कर्ज उसकी GDP का करीब 125% तक हो गया है। उसकी मुद्रा का अवमूल्यन भी 75% तक हुआ। समाधान के बजाय जनता को दबाने का प्रयास हुआ। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रवेश के शुरू हुए राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षा कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट के प्रवेश पत्र हाल टिकट जल्द ही वेबसाइट cuet.samarth.ac.in पर जारी होने वाले हैं। 15 जुलाई से देश भर में शुरू हो रही CUET परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र 1-2 दिन में ही जारी कर दिया जाएगा। स्नातक कोर्स में प्रवेश के लिए CUET को देश के कई विश्वविद्यालयों द्वारा अपनाया गया है, और यानी कि 12वीं पास करने के बाद जो छात्र कॉलेज में प्रवेश लेना चाहेंगे उन्हें CUET से होकर गुजरना होगा। भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को कोर्ट की अवमानना मामले में सुप्रीम कोर्ट 11 जुलाई को सजा सुनाएगा। जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली रविंद्र एस भट्ट और PS नरसिम्हा की 3 जजों की बेंच सोमवार को फैसला सुनाएगी। पीठ ने मामले के 10 मार्च को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साल 2017 में विजय माल्या को दोषी ठहराया था। कांग्रेस ने शनिवार को 5 नए राष्ट्रीय सचिवों की नियुक्ति की, जो पार्टी महासचिव और कर्नाटक के प्रभारी रणदीप सुरजेवाला के साथ संबंध होंगे। इसके साथ ही कर्नाटक के लिए राजनीतिक मामलों की समिति का भी गठन किया गया है। सुरजेवाला इस PAC के संयोजक होंगे। केंद्र सरकार के फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया FSSAI द्वारा प्रमाणित पश्चिम रेलवे का वडोदरा रेलवे स्टेशन एक बार फिर से गुजरात का पहला ईस्ट राइट स्टेशन बन गया है। पूरे भारत में अभी तक कुल 7 स्टेशन ईट राइट स्टेशन है। रेलवे के जनसंपर्क अधिकारी प्रदीप शर्मा ने बताया कि FSSAI द्वारा प्रमाणित ईट राइट स्टेशन वडोदरा गुजरात का पहला स्टेशन है और पश्चिम रेलवे का दूसरा और 5-स्टार रेटिंग में पहला ईट राइट स्टेशन है। तृणमूल कांग्रेस के मुखपत्र जागो बांग्ला ने अपने बंगाली लेख श्रीजो की हत्या में अग्निपथ छाया शीर्षक से भारत में रक्षा भर्ती के लिए नई शुरुआत कर दी है। अग्निपथ योजना के साथ पूर्व जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या को जोड़ा गया है। लेख में कहा गया है कि शिंजो आबे की हत्या भारत की अग्निपथ योजना के खिलाफ प्रतिरोध को मजबूत करेगी, क्योंकि आबे की हत्या करने वाले व्यक्ति ने बिना पेंशन के तहत सेना में काम किया था।
हिमाचल प्रदेश के शिमला के चौपाल कस्बे में भारी बारिश के दौरान एक 3 मंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह ढह गई है। हालांकि इसमें कोई हताहत नहीं हुआ। इस इमारत में यूको बैंक की एक शाखा, एक ढाबा, एक बार और कुछ अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठान स्थित है। स्थानीय प्रशासन ने इमारत को पहले ही खाली कर दिया था। देश के 16 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में अगले 5 दिनों तक राहत की कोई उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई चेतावनी के अनुसार अगले कुछ दिन मॉनसून कहर बनकर टूटने वाला है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, तेलंगाना, गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में भारी से भारी बारिश की संभावना जताई गई है। देश में लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए कानून एवं न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने शनिवार को कहा कि जब मैंने कानून मंत्री के रूप में पदभार संभाला था तब 4 करोड़ से कुछ कम मामले लंबित थे। आज ये 5 करोड़ के करीब है। ये हम सब के लिए बहुत चिंता का विषय है। इस सिलसिले में कोई कदम नहीं उठाया गया तो ये संख्या और बढ़ जाएगी। बालटाल में अचानक आई भीषण बाढ़ से बेखौफ श्रद्धालु दक्षिण कश्मीर हिमालय में 3880 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गुफा मंदिर की यात्रा के लिए पूरे उत्साह और भक्ति के साथ जम्मू में अमरनाथ यात्रा आधार शिविर में पहुंच रहे हैं। अमरनाथ गुफा के निकट बादल फटने के बाद बालटाल में आई बाढ़ से कम 16 लोगों की जान जा चुकी है। शुक्रवार को हुई त्रासदी पर दुख व्यक्त करते हुए श्रद्धालुओं ने कहा कि उन्हें कोई डर नहीं है क्योंकि उन्हें भगवान शिव पर पूरा विश्वास है। सुप्रीम कोर्ट ने अवमानना के मामले में भगौड़े कारोबारी विजय माल्या को सजा पर 11 जुलाई को फैसला सुनाने का ऐलान किया है। न्यायमूर्ति यूयू ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच फैसला सुनाएगी। बताते चले कि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में माल्या को अदालत को आदेश का उल्लंघन करते हुए अपने बच्चों को $40 मिलियन हस्तांतरित करने की जानकारी वापस लेने के लिए अदालत की अवमानना का दोषी ठहराया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने एक बार फिर से महाविकास अघाड़ी पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि एमवीए सरकार ने हमारे विधायकों का अस्तित्व खतरे में डाल दिया था। अब तब हम बोल नहीं सकते थे इसलिए हमने बगावत का कदम उठाया। राजस्थान में कन्हैयालाल हत्याकांड के बाद चल रहे मामलों के बीच अजमेर जिला पुलिस की तरफ से संवेदनशील इलाकों में पैदल मार्च किया गया। पुलिस कप्तान चूनाराम जाट के अनुसार अजमेर की जनता से आपसी सौहार्द बनाने और त्योहारों के मद्देनजर शांति बनाए रखने की अपील की गई। इसके साथ ही पुलिस ने असामाजिक तत्व को अवांछित गतिविधियां करने पर कड़ी कार्रवाई और चेतावनी दी। पैदल मार्च के दौरान सभी अधिकारी मौजूद रहे। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महिंदा याप्पा अभयवर्धने ने शनिवार रात को यह जानकारी दी। अभयवर्धने ने शनिवार शाम को हुई सर्वदलीय नेताओं की बैठक के बाद उनके इस्तीफे के लिए पत्र लिखा था, जिसके बाद राष्ट्रपति राजपक्षे ने इस फैसले के बारे में संसद अध्यक्ष को सूचित किया। अभयवर्धने ने बैठक में लिए गए निर्णयों पर राजपक्षे को पत्र लिखा था। ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के सियालदह मेट्रो स्टेशन का उद्घाटन सोमवार को होना है। उसी दिन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी उत्तर बंगाल के दौरे पर जाएंगी। सीएम बनर्जी को उद्घाटन समारोह में आमंत्रित नहीं किए जाने पर विवाद खड़ा हो गया। टीएमसी ने केंद्र पर प्रतिशोध की राजनीति और प्रशासनिक शिष्टाचार नहीं दिखाने का आरोप लगाया है। करुणा विश्वविद्यालय का 26वां दीक्षांत समारोह शनिवार को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित किया गया। विश्वविद्यालय के चांसलर पॉल दिनाकरन की अध्यक्षता में आयोजित दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष और अंतरिक्ष के भारत सरकार के सचिव डॉक्टर सोमनाथ थे। सोमनाथ ने 1700 स्नातकों को डिग्री प्रदान की। इसके बाद उन्होंने विश्वविद्यालय परिसर में स्थापित प्रयोगशालाओं का दौरा किया और बाद में मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि सरकार अंतरिक्ष क्षेत्र में सुधार करना चाहती है। इंग्लैंड और भारत के बीच जारी 3 मैचों की T20 सीरीज में टीम इंडिया ने 2-0 की अजेय बढ़त हासिल कर ली है। दोनों टीम के बीच दूसरा T20 मुकाबला 9 जुलाई को बर्मिंघम के वेस्टर्न स्टेडियम में खेला गया। मेजबान टीम के कप्तान जोस बटलर ने मुकाबले की शुरुआत से पहले टॉस जीतने के बाद भारत को पहले बल्लेबाजी करने का न्यौता दिया था। भारत टीम ने इस मैच को 49 रनों से जीतने के साथ ही सीरीज पर 2-0 की अजेय बढ़त बना ली है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने शनिवार को कहा कि योजना आयोग और इसके जरिए चलाई गई पंचवर्षीय योजनाओं के कारण ही आधुनिक भारत की नींव पड़ी और देश एक अग्रणी अर्थव्यवस्था बना। उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट में इसका उल्लेख किया है कि 9 जुलाई 1951 को देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संसद में पहली पंचवर्षीय योजना प्रस्तुत की थी। उल्लेखनीय है कि मोदी सरकार ने साल 2015 में योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग नामक एक नई संस्थान की स्थापना की थी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ईद उल अजहा की पूर्व संध्या पर शनिवार को देशवासियों को बधाई दी और सभी लोगों से मानव सेवा के लिए खुद को समर्पित करने और राष्ट्र की समृद्धि और विकास के लिए काम करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि ईद उल अजहा कुर्बानी और मानवता की सेवा का प्रतीक है। बता दें कि देशभर में ईद उल अजहा की नमाज शुक्रवार को अदा की जाएगी। उत्तराखंड पुलिस द्वारा कांवड़ यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए पहली बार रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू हो गई है। उत्तराखंड पुलिस के मुताबिक इस सुविधा में कांवड़ यात्रियों को किसी भी परिस्थिति में मदद पहुंचाई जाएगी। इस बार उत्तराखंड में 14 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है। शनिवार देर शाम पुलिस मुख्यालय ने कांवड़ यात्रियों के लिए आधिकारिक रजिस्ट्रेशन पोर्टल policecitizenportal.uk.gov.in को लॉन्च किया है। पुलिस विभाग ने सभी कांवड़ियों से अपील करते हुए कहा कि जो भी कांवड़ मेले में आए वो इस पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन जरूर कराएं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में स्थित पवित्र अमरनाथ गुफा क्षेत्र में बादल फटने के बाद तीर्थयात्रियों को दक्षिण कश्मीर हिमालय में स्थित बाबा बर्फानी के दर्शन किए बिना ही लौटना पड़ा। पवित्र गुफा के पास बादल फटने की घटना से कम 16 लोगों की मौत होने के बाद यात्रा स्थगित कर दी गई है। इधर अमरनाथ यात्रा के तहत जम्मू शहर में शनिवार को कश्मीर स्थित 2 आधार शिविरों के लिए करीब 6000 श्रद्धालुओं का 11वां जत्था रवाना हुआ।
भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने भरोसा जताया है कि चालू वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में मुद्रास्फीति क्रमिक रूप से नरम पड़ेगी। उन्होंने शनिवार को कहा कि केंद्रीय बैंक मुद्रास्फीति को काबू में रखने के लिए मौद्रिक उपाय जारी रखेगा ताकि मजबूत और स्थायी वृद्धि हासिल की जा सके। दास ने कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में कहा कि मुद्रास्फीति देश के आर्थिक संस्थानों में जनता के विश्वास का एक मापक है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर ने हमारे सवालों का सही जवाब दिया उनके नाम है देवराज कुमार, मनीषा कुमारी, अरविंद कुमार, संजीव कुमार, दिव्यांशु कुमारी, देवराज सिंह, रंग सोना, प्रेम कुमार, राजा रजा यादव, धनजी, मुन्ना यादव। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार भारतीय टीम को इंग्लैंड के खिलाफ मिली शानदार जीत का श्रेय आप किसे देंगे? अपने जवाब हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।